जल प्रदूषण में कमी आए इस उद्देश्य से सोमवार को भारतीय जनता पार्टी, महिला अघाड़ी, आध्यात्मिक अघाड़ी और स्वच्छ भारत मिशन के संयुक्त विद्यमान से नमामि गंगे इस अवधारणा के तहत फुटाला तालाब पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जल पर्यावरण का अभिन्न अंग है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना बेहद जरूरी है। जल की अनुपस्थिति में मानव कुछ दिन ही जिंदा रह पाता है, क्योंकि मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल होता है। जल का इतना महत्व होने के बावजूद भी लोग उसे दूषित करने में तुले हुए हैं। लोगों को इस चीज के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से सोमवार को भारतीय जनता पार्टी, महिला अघाड़ी, आध्यात्मिक अघाड़ी और स्वच्छ भारत मिशन के संयुक्त विद्यमान से नमामि गंगे इस अवधारणा के तहत फुटाला तालाब पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान जल प्रदूषण और जल प्रदूषण के बचाव के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी, महिला अघाड़ी, आध्यात्मिक अघाड़ी और स्वच्छ भारत मिशन, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ फुटाला तालाब पर नमामि गंगे इस योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी मूल अवधारणा यही थी कि हम अपने जितने भी जल स्त्रोत्र हैं उन सारे के सारे जल स्त्रोत्र को स्वच्छ रखने का संकल्प लें और जल स्त्रोत्र के स्वच्छता में और संवर्धन में नागरिकों का सहयोग बढ़े और हर व्यक्ति इसे अपनी जिम्मेदारी समझ करके इस काम को करे। इस दृष्टि से आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया। जल प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई, जल प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय योजना करना चाहिए इसके बारे में चर्चा हुई। साथ ही साथ में मैं स्वयं अपने परिसर के जल स्त्रोत्र को, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, उनको संवर्धित करने के लिए अपना सर्वस्व कार्य प्रणाली के माध्यम से उसका नियोजन करूंगा। इस प्रकार का संकल्प भी आज के पावन प्रसंग पर लिया। जल ही जीवन है, इस बारे में हर किसी ने सुना और पढ़ा होगा, लेकिन अब इसे समझने की बेहद जरूरत है। वही जिस परिसर में मनपा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उस क्षेत्र के तालाब की स्वच्छता की तरफ मनपा का ध्यान कब आकर्षित होगा, ये सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज, नागपुर।